पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के शौर्य के सामने अपने पैर वापस खींचने के बाद अब चीन दोनों देशों के बीच हुए संबंधों के नुकसान की भरपाई में लगा हुआ है। चीन के विदेश मंत्री वांग ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि चीन और भारत दोस्त और सहयोगी हैं, लेकिन उनके बीच कुछ मसलों पर संदेह की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति से उबरकर दोनों देशों को देखना है कि वे अपने संबंध किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव को कम कर संबंधों को बेहतर करने पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच विवादों को लेकर बेहद नरम रुख इख्तियार करते हुए उन्होंने साफ किया है कि सीमा विवाद हमें विरासत में मिला है, लेकिन ये दोनों देशों के संबंधों की पूरी कहानी नहीं है। अहम बात यह है कि दोनों देश सीमा विवाद समेत दूसरे सभी विवादों को उचित तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही आपसी संबंधों के विकास को लेकर भी काम कर रहे हैं। भारत के साथ संबंधों को लेकर अपने लंबे चौड़े भाषण में चीन का रुख बेहद नरम दिखा। चीन का रुख ये साफ दर्शाता है कि वो इस घटना को एक अप्रिय घटना मानकर भूल जाना चाहता है। आपको बताएं तो डोकलाम की घटना के बाद पूर्वी लद्दाख दूसरा मामला है जिसमें चीन को अपने पैर वापस खींचने पड़े हैं। दोनों ही मसलों पर भारत का पक्ष मजबूत साबित हुआ है। आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्री वांग ने हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ टेलीफोन पर 75 मिनट तक बातचीत की। शुक्रवार को चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने बीजिंग में चीन के उप विदेश मंत्री लियोंग झाओ के साथ वार्ता कर पूर्वी लद्दाख पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की पूरी प्रक्रिया के संबंध में बातचीत की। आपकी इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खानपान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।